हेलो दोस्तों, मैं सौम्य आप सभी को स्वागत करता हूं और एक नए वीडियो के साथ। चलिए आज एक वीडियो है, देखेंगे कि ये जैकी पंप का अबनॉर्मल साउंड आ रहा था, उसको अभी हम लोग बेयरिंग चेंज करके देखेंगे। अभी पंप डिसमेंटलिंग करेंगे, चलिए देखेंगे। ये अभी पंप खोल रहा है, हम लोग अभी पंप को डिकपल कर दिया है। अभी हम लोग पंप को पूरा निकालना है केसिंग से, पंप केसिंग बोल्ट पूरा लूज कर दिया है। अभी उसको पूरा खोलेंगे बाहर, इसका बेयरिंग चेंज करेंगे और क्या क्या प्रॉब्लम है सब चेक करना है उसमें। अभी देखिए पंप का बोल्ट भी लूज कर दिया, कपलिंग बोल्ट भी खोल दिया और फ्रंट वाला भी बोल्ट खोल दिया, सब बोल्ट खोल दिया। अभी जैकिंग कर रहे हैं हम लोग, देखें थोड़ा सा बाहर बाहर आ गया। अभी उसको निकालेंगे, पंप को निकाल दिया है बाहर। चलिए अभी उसका खोलेंगे। अभी इसका वायरिंग है, केसिंग वायरिंग है, पूरा खा गया है शायद, उसका क्लियरेंस चेक करना पड़ेगा। वायरिंग क्लियरेंस ज़्यादा होगा तो फिर वायरिंग चेंज करना पड़ेगा। अभी कपलिंग खोल रहा है हम लोग और इम्प्लर का डिस्टेंस मेजरमेंट कर रहे हैं हम लोग, उसी हिसाब से फिर लगाने का टाइम उसी उसी डिस्टेंस के हिसाब से रखना चाहिए। अभी इम्प्लर का लॉक नट खोल रहे हैं हम लोग, ये पूरा ये भी चेक नट पूरा जाम है। अभी पूरा खोलना पड़ेगा उसको। अभी रिंग रिंग्स बना लगाएंगे और डी से नहीं हो रहा है, रिंग लगाएंगे। क्योंकि जिस डायरेक्शन में पंप का डायरेक्शन जिस डायरेक्शन में होगा उसी डायरेक्शन में खुलेगा, इसका कोई गलत नहीं होगा। और अभी रिंग लगाए गए हम लोग, पंप का डायरेक्शन उधर था, रिंग से पूरा इक्वल फोर्स आया इसीलिए खोल गया, पूरा खोल रहा है। अभी इम्पिलर निकालेंगे, वो जाम था इसलिए कि उसके अंदर अनावर दे दिया था, इसलिए टाइट था। पंप का डायरेक्शन उधर ही है, हम लोग खोल रहे थे भी उधर ही है, क्योंकि वो पंप जब रनिंग होता है वो अपोजिट साइड टर्न लेता है टाइट का। अभी इम्पिलर को निकालेंगे बाहर। चलिए थोड़ा सा पेंडल मार देते हैं आगे में और देखेंगे इसका आना मोड से एक गैस्केट बन गया पूरा, ये इसलिए जाम था। अभी एंड पिलर को निकालेंगे बाहर। चले अंदर में थोड़ा पेंडल मार देता है उसका अंदर, ओके मार दिया है। अभी देख लीजिए आपके पास पेन वेल हो तो मार दीजिए, नहीं तो डबल डी 40 जो भी हो मार लीजिए। वही हम लोग निकल रहा है। चीजें ला के मारेंगे हम लोग चीजल से, चीजल मार्कर मैं आप लोग को खोल कर दिखा रहा हूँ, ठीक है। अब खोल दिया है इम्पिलर और उसका केसिंग भी खोल दिया, फर्स्ट वाला केसिंग। और अभी मैकेनिकल सील आया, देखिए अभी मैकेनिकल सील है इसका, मैकेनिकल सील का गैस के रही है। अभी हम लोग मैकेनिकल सील को बाहर निकालेंगे, पूरा उसके अंदर पूरा रस्टेड हो गया। मैकेनिकल सील का जो स्प्रिंग था और उसका जो स्लिप था वो पूरा रस्टेड हो गया। अभी तो पूरा हाथ से निकालना चाहिए था, वो हाथ से नहीं निकल रहा है, उसको अभी मैं शायद पुलर लगाऊंगी, पुलर अभी पुलर लगा कर उसको खींचना पड़ेगा।
पड़ेगा, ये तो हाथ से नहीं हो रहा है, वो हाथ से पूरा आराम से आ जाना चाहिए था लेकिन ये नहीं आ रहा है। चले अभी उसका एक थ्री लेग पुलर लगा कर उसको और एक बार कोशिश करते हैं हाथ से, फिर भी हो रहा है कि नहीं। उसका जो ग्लैंड है स्टेशनरी पार्ट को पीछे थोड़ा करके रोटर पार्ट को आगे खींच रहे हैं, देखें आगे खींच रहे, देखे थोड़ा पेन भी मार देता है आगे पे, टोटल टोटल सिस्टम को मार देता है। फिर भी नहीं हो रहा है, चलिए वो तो उससे नहीं होगा, जोगाड़ लगाना पड़ेगा उसमें। चलिए जोगाड़ लगा दिया हमें। आप लोग अभी सोचते होंगे कि ये पुलर लगा कैसे है उधर, वो छोटा सा स्लीव है उधर पुलर लगा कैसे, हर स्लीव में नहीं लगेगा क्योंकि ये उस स्लीव में ग्रुप दिया है इसलिए लग गया पुलर, हर स्लीव में नहीं लगेगा, बार बार खोलना पड़ता है, हर भी तकलीफ भी होता है एक एक स्लीव खोलने के लिए भी, ये उसमें ग्रुप था इसलिए लग गया, आसान सा काम हो गया मेरा, नहले उसको खोलने के लिए मुझे बहुत परेशान करना पड़ता था। अभी उसे घुमा घुमा कर खोलना पड़ता है, खोला है देखें आराम से आ रहा है बाहर। आप लोग को देख लीजिए इसी टाइप का स्लीप होगा तो आप लोग भी इसी टाइप का एक पोलर लगा कर थ्री लेग का पोलर लगा कर आराम से खींच सकते हैं उसको, और नहीं तो फिर आप लोग जब निकालेंगे मार मार कर वो सील भी डैमेज हो सकता है। अभी हम लोग का सील भी डैमेज नहीं होगा, आराम से खोलेगा, टाइम भी बचेगा, इस टाइम हमेशा जुगाड़ के लिए हम उसे जुगाड़ से खोलेंगे तो हम लोग का टाइम बचेगा, काम भी आसान होगा, सामान भी अच्छा रहेगा, स्पेयर भी टूटेगा नहीं, सब कुछ अच्छा होगा। देखिए अभी पूरा खुल गया, लगभग 70-80% खुल गया है, चलिए हम लोग इसको मैकेनिकल सेल का पीछे हाथ में हाथ रखेंगे क्योंकि ये पीछे चला जा रहा है, गिर जाएगा तो फिर ये टूट जाएगा, उसका स्लीव के ऊपर रखेंगे तो वो अच्छा होगा, फिर नहीं तो ये प्रॉब्लम कर सकता है। अगर लोग टाइट कर रहा है वो भी आ रहा है, देखिए अच्छे से धीरे धीरे आ रहा है, आ रहा है, आ गया पूरा पूरा निकल गया। अभी मैं पुलर निकाल देता हूँ, पुलर खोल देता हूँ, सारे स्लीव निकल गया हमारा, स्लीव और मैकेनिकल चले हमारा पूरा आराम से निकल गया। ये जाम था इसलिए कि इसके अंदर आना मार देख को लगा दिया था, इसलिए जाम था, नहीं तो ये हाथ से आने वाला था पूरा। ये कैसे हो गया, वो पानी का जो सॉलिड मेटल है उसके अंदर आ जाता है, जो पार्ट सिर्फ कॉन्टैक्ट था वही ही सिर्फ खाली है, नहीं तो और सब पार्ट उसका पूरा गंदा पड़ गया। वो वाला सील यूज हो सकता है लेकिन हम लोग नया सील लगाएंगे, लेकिन हमारे पास नया स्पेयर है उसको रख देते हैं बाद में। चलिए अभी हम लोग सील को निकाल लेते हैं,
सेल सेल रख दिया है, सेल को ऐसे सेल को पोजीशन से। अरे हम लोग पंप का बेयरिंग निकालेंगे, पंप के स्टॉपिंग बॉक्स के जो कैचअप प्लेट है उसको अभी खोलेंगे। खोलने के बाद एनडी साइड से मारेंगे, अभी एनडी साइड से मारना है। एनडी साइड से चेक नट के इंपिलर का चेक नट जहाँ पर लगा होता है उधर से थोड़ा थोड़ा मारेंगे मेले डैमर से, और ड्राइव साइड की तरफ वो निकलेगा शाफ्ट, ठीक है ना। चलिए अभी मरते हैं, देखिए जा रहा है मेरे शाफ्ट पूरा जा रहा है, मैं पूरा निकल गया, देखे पूरा शाफ्ट निकल गया। और ये हमारा एनडी साइड में ये स्ट्रेट रोलर बेयरिंग था, इसलिए ऐसे निकल गया ड्राइव साइड से। पूरा बेयरिंग पूरा ग्रीस पूरा ख़राब हो गया, उसके अंदर पूरा ग्रीस भर जाकर पूरा ऐसे ख़राब हो जाता है बेयरिंग। ग्रीस बेयरिंग है ना, इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम होता है इससे, थोड़ा थोड़ा सा रस्ट हो जाएगा तो वो साउंड होगा। चलिए चलिए अभी एनडी सेट का बेयरिंग भी निकल देते हैं हम लोग, जो उसके अंदर एनडी सेट का आउटर रेस लग कर था, अभी उसको हम लोग निकाल देते हैं। स्क्रू ड्राइवर से मार कर अभी निकाल दिया, देखेंगे अभी हम लोग अभी इस शाफ्ट से बेरिंग जो ड्राइव बेरिंग था लगा था उसको अभी निकालेंगे, और एनडी सेट का इनर रेस लगा हुआ था उसका अंदर, अभी उसको खोल देंगे। अभी केसिंग को पूरा सफाई करना पड़ता है, उसके बाद शाफ्ट को रन आउट चेक करेंगे, उसके बाद जाकर फिर एक असेंबल का वीडियो में आप लोग को दिखाऊंगी। अभी तक मेरा वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, नीचे दिए हुए बेल आइकन को दबा दीजिए। ये है ड्राइव एनडी साइड का इनर रेस लगा हुआ है, इस बेरिंग का इनर रेस अलग है आउटर रेस अलग है, क्योंकि स्ट्रेट रोलर बेरिंग है, इसलिए सिलेंड्रिकल स्ट्रेट रोलर बेरिंग है, इसलिए ये अलग रहता है। इसका चेक नट पे भी हम लोग खोल देते हैं ड्राइव साइड का चेक नट, खोल रहे हैं चेक नट खोल दिया। अभी हम लोग बेरिंग को निकाल रहा है, अभी लकड़ी के ऊपर रख कर मेरा टाइमर से मार रहा है, नहीं जा रहा है, थोड़ा सा टक्कर लगाना पड़ता है। फिर अभी डायरेक्ट मेटल हैमर से मार रहा है, बॉल पेन हैमर से डायरेक्ट, देखिए थोड़ा थोड़ा जा रहा है, अभी थोड़ा जा रहा है, देखिए क्या है जा रहा है, वो निकल जाएगा, बस निकल गया हमारा ड्राइव साइड का बारे निकल गया पूरा। अभी हमारा नॉन ड्राइव साइड का, नॉन ड्राइव साइड को हम लोग चिजल से खोल देंगे। अभी ये है मैकेनिकल सील है उसका, उसका मैकेनिकल सील को देखिए, ये है नीचे जो रखा है वो है स्टेशनरी, ये है रोड स्टेशनरी है, वो बोला है रोटर है, और उसका ये इसका स्लीव है। आज के लिए इतना ही है, आगे हमारा असेंबल का वीडियो आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।